राष्ट्रीय शर्करा संस्थान द्वारा विश्व स्तर पर अपने आप को स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें एक और सफलता उसको प्राप्त हुई है। विदेश में अनेक चीनी उत्पादक देश ऐसे हैं जिन्होंने कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है और वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान उनके लिए तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे और साथ ही उनको जो उनका शर्करा उद्योग है उसको आधुनिकीकरण में और उसको सह उत्पादों के बेहतर उपयोग में उनकी सहयोग करे। इस कड़ी में सबसे पहले अगले माह से हम नाइजीरिया की सुनीति शुगर मिल्स उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एक महीने का आयोजित कर रहे हैं जिसमें कि उनके इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट क्वालिटी कंट्रोल के आदमियों के अलावा उनके फैक्ट्री के मैनेजर्स भी उसमें भाग लेंगे। इसमें हम उनको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपनी जो है चीनी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपने तमाम सह उत्पादों से वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, बेहतर उत्पाद बना सकते हैं। तो पहला कार्यक्रम हमारा जो एक महीने का है वो सुनीति गोल्ड एस्टेट शुगर्स नाइजीरिया के साथ होने जा रहा है और उसके बाद हमें कीनिया की वेस्ट कीनिया शुगर इंडस्ट्रीज जो है उसका एक ग्रुप है जिसकी कई सारी फैक्ट्री हैं, वो भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान उनके साथ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए आयोजित करे। और इसी के साथ कैमरून और तमाम अन्य देशों से भी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान को अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि हम उनके लिए उनके जो तकनीकी कर्मी हैं उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। चूँकि कोरोना की अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग आशंकित हैं तो शायद वो रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और इसलिए चीनी मिलों का ये हम लोगों के ऊपर इस तरीके का अनुरोध भी है, दबाव भी है कि हम उनके लिए एक स्पेशली डिज़ाइन जो कि कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम हो वो उनके लिए आयोजित करें। तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान इसमें आगे आया है और आप देखेंगे कि शीघ्र ही हम जो है तीन प्रोग्राम मैंने आपको बताया हम आयोजित कर रहे हैं और देशों के लिए भी हम ये प्रोग्राम आयोजित करेंगे।